हिंदू धर्म और मान्यताओं के अनुसार हर वर्ष श्राद्ध के दिनों में पूर्वजों या यूं कहें कि पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए पितृपक्ष का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। हिंदू शास्त्रों के मुताबिक जो स्वजन अपने शरीर को छोड़कर चले गए हैं उनकी तृप्ति और उन्नति के लिए श्राद्ध के साथ जो शुभ संकल्प और तर्पण किया जाता है वही श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध पितरों के लिए श्रद्धापूर्वक किया जाने वाला एक कृत्य है। शास्त्र निधान के अनुसार पितरों की मुक्ति प्राप्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध में पितरों के उद्देश्य से तर्पण और पिंड दान किए जाते हैं और ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है जिसे श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध के दौरान पूर्वजों को सम्मान देने और उनकी आत्मा शांति के लिए पिंडदान भी किया जाता है। पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन मास की अमावस्या पर समाप्त होता है। इस वर्ष 17 सितंबर 2024 से इसकी शुरुआत हो रही है जिसका समापन 2 अक्टूबर को होगा। हिंदू धर्म के अनुसार साल के 16 दिन पूर्वजों की आत्मा शांति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने गए हैं। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध अवधि के दौरान सभी के पूर्वज धरती पर आते हैं। ऐसे में श्राद्ध कर्म करने पर पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति मिलती है और वह प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि पितरों के प्रसन्न होने पर सभी देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। वहीं श्राद्ध पक्ष के दौरान कुछ कार्यों को करने से मनाही भी होती है, अन्यथा अपशगुन हो सकता है। ऐसे में आइए ये भी जान लेते हैं कि श्राद्ध पक्ष में कौन से काम करने वर्जित है। पितृपक्ष के दिनों में श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को नाखून नहीं काटने चाहिए, यही नहीं बालों को भी कटवाने से बचना चाहिए। श्राद्ध कर्म के लिए काले तिल का उपयोग न करें। वहीं ध्यान रखें कि पिंडदान करते समय तुलसी जरूर रखें। कभी भी श्राद्ध कर्म शाम और रात के समय नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दिनों में लोहे के बर्तन का प्रयोग करने की भी मनाही होती है। आप इस दौरान तांबे या पीतल के बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि बड़े पुत्र और सबसे छोटे पुत्र को श्राद्ध करने का अधिकार होता है, हालांकि कई बार परिस्थिति के अनुसार भी चीज़ों को तय किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके अलावा किसी भी नए कपड़े की खरीदारी ना करें। यहाँ कुछ बातें और भी ध्यान रखने योग्य है, जैसे श्राद्ध कर्म हमेशा किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण द्वारा ही करवाना चाहिए और ब्राह्मणों को यथासंभव भोजन करवाएं। इस दौरान जरूरतमंद लोगों की सहायता करने से आपको निश्चित तौर पर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा पितृपक्ष के दिनों में कौवे को भोजन का एक अंश जरूर डालना चाहिए। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।